हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन हिस्ट्री 007। गर्ल्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 5 टिप्स जिससे आप एवरी ड्रेसेस में खुद को अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखा सकती हैं। ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल हैं, जिन्हें आप इजीली फॉलो करके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकती हैं। सो गाइस, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 टिप्स है, हाईलाइट योर लिप्स एंड आईज। गाइस, अगर आप कोई भी ड्रेस पहनती हैं, चाहे वो वेस्टर्न वियर हो या इंडियन, अगर आपकी आईज उदास उदास सी दिखेंगी और आपके लिप्स ड्राई एंड फटे हुए नजर आएंगे तो आपके ऊपर वो ड्रेस बिल्कुल भी शूट नहीं करेगी। इसलिए आप अपने बॉडी कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग न्यूड लिपस्टिक लगा सकती हैं, अगर आपको डार्क कलर की लिपस्टिक पसंद नहीं है तो, और अगर आपको डार्क कलर की लिपस्टिक पसंद है तो वो भी आप अपने बॉडी कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग लगा सकती हैं। ऐसे ही आप आई मेकअप में बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप नहीं करना है आपको, जस्ट काजल और आईलाइनर की हेल्प से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकती हैं, जिससे कि आप एवरी ड्रेसेस में कॉन्फिडेंट फील करेंगी। नेक्स्ट नंबर 4 टिप्स है, अपने बॉडी कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ड्रेस कलर चूज करना। गर्ल्स, अगर आप अपने बॉडी कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ड्रेस कलर चूज करेंगी तो ये भी आपके लुक्स को एनहेंस करेगा। प्लस अगर आपका कलर फेयर है तो आप पर ज़्यादातर सभी कलर की ड्रेस सूट करती हैं। वही अगर आपकी स्किन टोन डस्की या डार्क है तो आप उस पर कुछ सेलेक्टेड कलर की ड्रेस ही सूट करेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी शामली या डस्की स्किन के लिए कौन सी कलर की ड्रेस पहननी चाहिए ये जानना है तो मैं इस टाइप का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, ये टिप्स से आप एवरी ड्रेसेस में अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिख सकती हैं। नेक्स्ट नंबर 3 टिप्स है, अपनी बॉडी फिजिक के अकॉर्डिंग ड्रेस के फैब्रिक को चूज करना। बस अगर आपकी बॉडी थिन है या हेल्दी है तो आपको अपनी बॉडी फिजिक के अकॉर्डिंग ड्रेस पहननी होगी, तभी आप एवरी ड्रेसेस में अट्रैक्टिव दिखेंगी। बस अगर आपकी बॉडी पतली है तो आपको शिफॉन या जॉर्जेट के कपड़े अवॉइड करने हैं, क्योंकि वो इतने हल्के होते हैं कि वो आपकी बॉडी को और भी ज़्यादा पतला दिखाते हैं। इसलिए आपको अपने लिए ब्रॉकेट या जैकवर्ड फैब्रिक के कपड़े चूज करने चाहिए। वही अगर आप हेल्दी हैं तो आपको शिफॉन या जॉर्जेट के कपड़े आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। सो गाइस, इस टिप्स के हेल्प से आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते हैं, जिससे कि आप स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 टिप्स हैं, फिटिंग ऑफ क्लॉथ्स। गाइस, अगर आपको एवरी ड्रेसेस, चाहे वो इंडियंस हो या फिर वेस्टर्न ड्रेस में अट्रैक्टिव दिखना है तो आपको बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े अवॉइड करने होंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो भी आप अपने आप में अनकंफर्टेबल फील करेंगे, वही अगर आप बहुत ज़्यादा लूज कपड़े पहनेंगे तो भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करा पाएंगे, जिससे कि आप ऑल ओवर लुक अट्रैक्टिव नहीं बना सकते। इसलिए आपको अपने कपड़ों की फिटिंग में इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा। नेक्स्ट नंबर 1 टिप्स है, हेयर स्टाइल। गर्ल्स, अगर आपको एवरी ड्रेसेस में कूल एंड स्टाइलिश दिखना है तो आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल चूज करनी चाहिए। गर्ल्स, अगर आपने कितनी भी ब्यूटीफुल सी हेयर स्टाइल अपने वालों में बनाई हो और अगर वो आपके फेस पर सूट नहीं कर रही है तो वो आपके ऑल ओवर लुक को ख़राब कर देगी। इसलिए गर्ल्स, आप मिरर के सामने खड़े होकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल बनाकर अपने फेस पर सूट करने वाली हेयर स्टाइल चूज करेंगी तो आप अपने आप को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे सकती हैं। आप चाहो तो ओपन हेयर भी कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ या ख़राब नहीं दिखने चाहिए, इसलिए आप स्ट्रेटनर की हेल्प से अपने बाल स्ट्रेट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और आप चाहो तो अगर कर्ली हेयर आपको पसंद हो तो आप कर्ली भी कर सकती हैं, जिससे कि आप कोई भी ड्रेस पहनेगी तो वो बहुत ही आप पर जचेगी। गाइस, कैसे लगे आज की ये 5 टिप्स, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ ऐसे ही न्यू फैशन टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय।
एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।